और इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मौविन खुसूसी इरफान सिद्दीकी को किरायादारी एक्ट के मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुकदमे अखराज की दरख्वास्त निपटाते हुए इरफान सिद्दीकी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुकदमा अखराज की दरख्वास्त निपटाते हुए इरफान सिद्दीकी को बरी कर दिया। इस मौके पर इरफान सिद्दीकी के वकील ने अदालत से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देने की सदा की, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये आपका हक है, आप अलग से दरख्वास्त दे सकते हैं। साबिक दौरे हुकूमत ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मौविन खुसूसी इरफान सिद्दीकी को रवा साल जुलाई में ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार किया गया और उन पर पुलिस ने किरायादारी एक्ट की दफात लगाई। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून और सहाफती हलकों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिस पर हुकूमत ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया और इरफान सिद्दीकी को ड्रामाई तौर पर जमानत पर रिहा किया गया।